10 करोड़ के फंड से हम लोगों ने पूरे शहर में रोड बनवाया 15 करोड़। कौन सा रोड आप बनवाए? ये जितना भी इंटरनल रोड है, जैसे महिला के जो गवर्नमेंट की तरफ से पेंसिल आता है, क्या आप अपने वार्ड में किसी को दियो? मैं नहीं दिया हूँ। नगर सेवक का काम है लोगों को मालूम देना, बताना, ये नगर सेवक की जिम्मेदारी नहीं। स्कूल की बात कर रहे थे तो मैं स्कूल की बात से बोलना चाहूँगा कि जैसे आप स्कूल में कोई अपने वार्ड में लाइब्रेरी या कंप्यूटर क्लास चालू करो? नहीं, वो चालू नहीं। प्रधानमंत्री जो योजना है, एक भी क्षेत्र में एक भी लोगों को दियो? मैं नहीं दिया हूँ, लेकिन जिनको मालूम लेना रहता है और जहाँ से होता है वहाँ मैं उनको भेज देता हूँ कि वहाँ वहाँ जाके ये करो नगर। एक भी लोग का आप बता सकते हो? एक भी लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का तो नहीं हुआ है, वो स्कूल का भी काम चालू हो जाएगा। इसके मतलब आप एक वादा और कर रहे हो? एक वादा और कर रहे हो स्कूल का और वो सागर प्लाजा रोड का? अगले महीने से ये दोनों का इंशाल्लाह काम चालू हो जाएगा, ये आप वादा कर रहे हो? वादा कर रहे हो। जो वार्ड नंबर 10 के आरिफ दादा हैं, जो पूरे भिवंडी में काफ़ी जाने मशहूर हैं, आइए मैं इनसे जानता हूँ कि ये जो राजनीति में उतरे हैं क्या मकसद है, जैसे कि नगर सेवक इलेक्शन में लड़ने का, आपकी राजनीति में आने का क्या मकसद था आरिफ भाई? मकसद तो यही था कि जो वार्ड में बहुत ज़्यादा काम था जो हो नहीं रहा था, 10 साल जब मैं देख रहा था लोग बहुत परेशान थे, तो मैंने सोचा कि हो सकता है ट्राई करूँ कि वार्ड में जो लोगों को तकलीफ़ है वो दूर करूँ लोगों की। और मैंने ज़्यादा करके बहुत कोशिश की और बहुत हद तक मैंने काम भी किया है वार्ड में अपने। तुम वार्ड में जाके मेरे सर्वे कर सकते हो, देख सकते हो। हाँ, लेकिन कुछ हालात ये 2 साल से थोड़ा ख़राब हो गए, जिसकी वजह से थोड़ा काम रुक गया कोविड की वजह से। हाँ, कोविड का मामला जब ये पूरे भारत में है, इसकी वजह से तो काफ़ी लोगों को परेशानी हुई थी। निधि, आपको पर्सनली आपको परेशानी नहीं है, पूरे भारत की बात है? वही, इससे पहले जब हम लोग को 2.5 साल मिला, महापौर जागो दलवी का टाइम था, वो टाइम में हम लोगों ने 2.5 साल में 3 साल में बहुत ज़्यादा काम किया है। तुम कि कोई भी एक आदमी जाके मालूम निकाल सकता है कि हम लोगों के 2.5 साल में कितना काम हुआ है। सबसे बड़ा काम तो एक ये हुआ, जावेद भाई ने जो किया है, 111 करोड़ रुपया जो घरपट्टी लोगों के ऊपर बकाया थी, जावेद भाई ने वो माफ़ करा दिया। और उसके बाद और भी बहुत से काम है। देखो, पूरे शहर में जो लाइट थी पूरी ख़राब हो चुकी थी, जावेद भाई के टाइम वो लाइट बदली हो गई। 10 करोड़ के फंड से हम लोगों ने पूरे शहर में रोड बनवाया 15 करोड़। कौन सा रोड आप बनवाए? ये जितना भी इंटरनल रोड है, मेन RCC रोड छोड़ के जो इंटरनल वार्ड के अंदर गया है, मेरे वार्ड में 3-4-5 जगह रोड बनाए। एक तो तुम नूर मस्जिद के पीछे चले जाओ, हाँ, नूर मस्जिद के बाद आगे हजारिया टावर पर चले जाओ, उसके आगे रफीक होटल के सामने रास्ता अंदर गया वहाँ चले जाओ, हाँ। उसके बाद टेकरे पे चले जाओ। और बाकी जहाँ पे ईगल कंपनी का पाइप जाने वाला है वो काम अभी रुका हुआ है। अभी जैसे सागर प्लाजा का जो मामला है, वहाँ पे ईगल कंपनी इलेक्शन जीतने के बाद ताबड़तोड़ मैंने वहाँ रोड बनवा दिया था। किसी को भी तुम पूछ लेना, 12 साल के बाद वहाँ रोड बना था। आरिफ भाई, मैं बोलना चाहूँगा, काफ़ी वो रोड अभी बहुत स्थिति उसकी ख़राब है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि बारिश से पहले वो रोड इसीलिए नहीं बना था क्योंकि वहाँ पे 20 फीट डीप गया था खड्डा। अब बारिश का जब पानी पड़ेगा उस पर तो वो मट्टी लेके नीचे बैठेगा, अगर अपन उसमें डामर डाल के रोड बना देते तो पूरा रोड ख़राब हो जाता। तो वो पानी खाने के लिए बारिश का छोड़े थे उसको, और पत्थर वत्थर डाल दिए थे, और वहाँ पर गड्ढा बहुत होना था, सबको मालूम था, हम लोग को भी मालूम था, ठेकेदार को भी मालूम था, इसके लिए रोड नहीं बनाए। अब जैसे ही बारिश खत्म होएगी वहाँ पूरा रोड बन के रेडी हो जाएगा, 15-20 दिन के बाद वो रोड का काम चालू हो जाएगा। मतलब इसके मतलब कि नेक्स्ट महीने में इंशाल्लाह काम चालू हो जाएगा। बारिश बाद उसने बोला था कि मैं रोड बना दूंगा, बाकी 4 नंबर पत्थर जो है वो पूरा उसने डाल चुका है जाकर। तुम आप वादा करते हो कि अगले महीने गुलजार नगर वाले रोड पे? हाँ, सागर प्लाजा रोड चालू हो जाएगा। सागर प्लाजा वाला रोड ये आप वादा करते हो? वादा करता हूँ, तुम वहाँ जाके देख लो। आधा काम रोड का हो गया, मैं समझ नहीं पा रहा आरिफ भाई, कैसे मैं वो रोड से मेरा आना जाना काफी है। आधा काम उसको बोलते हैं जो 4 नंबर पत्थर डालते हैं, तो वो गटर से गटर 4 नंबर पत्थर पड़ चुका है वहाँ। जैसे आरिफ भाई, आप नगर से हो, आप अपने वार्ड के लिए क्या फैसिलिटी ला सकते हो महानगर पालिका से? फिलहाल फैसिलिटी तो बहुत लाना था, हम लोगों को 2-2.5 साल जो मिला, 3 साल मैंने वार्ड में मेरे बहुत काम किया, तुम जाके मालूम ले सकते हो कि मैं एक भी फैसिलिटी मेरे को तब्दील से आप बताओगे? आप 70 नंबर स्कूल के बाजू में एक हाई स्कूल खड़ी है, शांति नगर से लेके जकात नाके तक अपने पास एक भी हाई स्कूल की स्कूल नहीं है। नंबर है, अपन दूसरी क्लास में बैठाते हैं, प्राइमरी में बैठाते हैं अपन, लेकिन वो जो मैं स्कूल बनाया हूँ वहाँ पे 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे बैठेंगे, जिसके लिए मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से 1.5 करोड़ रुपए का फंड लाया था और पूरी स्कूल रेडी हो गई है। अभी वहाँ पे बेंच वगैरह डालना है, उसके लिए भी नगर पालिका के पास फंड नहीं था, तो मैं फिर मंत्रालय जाके 18-20 लाख रुपये अभी मैंने फिर लाया है, उसका टेंडर कॉल हो गया है, 1-2 महीने में वहाँ बेंच वगैरह भी आ जाएगी और स्कूल चालू हो जाएगी। जैसे कि आप अपने क्षेत्र में अपने वार्ड में आंगनवाड़ी का कोई सुविधा है? हाँ, आंगनवाड़ी भी बहुत है, और उसके बाजू में एक 70 नंबर स्कूल है जिसकी ऑडिट रिपोर्ट में वो एकदम स्कूल ख़राब हो गई है, और वहाँ पे हमारी 4 स्कूल के बच्चे बैठते हैं। एक तो ये 62-22 बंद है, यहाँ के भी बच्चे वहाँ बैठते हैं, 70-85 है, वहाँ के भी बच्चे बैठते हैं, तो ऑडिट रिपोर्ट में वो स्कूल के हालात एकदम ख़राब थे, तो मैंने उसके लिए अभी 90 लाख रुपये पास करवाया हूँ।
अभी एक आध महीने के अंदर उसका भी काम पूरा हो जाएगा, वो स्कूल का भी काम चालू हो जाएगा। इसके मतलब आप एक वादा और कर रहे हो? हाँ, वो भी एक वादा और कर रहे हो, वो स्कूल का और वो सागर प्लाजा रोड का। अगले महीने से ये दोनों का इंशाल्लाह काम चालू हो जाएगा, ये आप वादा कर रहे हो? वादा कर रहा हूँ। और आप अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड में आंगनवाड़ी का कोई सुविधा है? आंगनवाड़ी जो पहले थी वो तो अभी चली रही है, बहुत सी आंगनवाड़ी है मेरे वार्ड में। और बेवा जैसे महिलाएं के जो गवर्नमेंट की तरफ से पेंसिल आता है, क्या आप अपने वार्ड में किसी को दियो? मैं नहीं दिया हूँ, बाकी लोगों लोग तो जाकर डायरेक्ट बना लेते हैं बहुत से लोग। हाँ, बीच में कुछ मामला जो गवर्नमेंट की तरफ से मेरे वार्ड में एक बच्चा 2 साल पहले, ये नगर सेवक का काम है आरिफ भाई, नगर सेवक का काम है लोगों को मालूमात देना बताना, ये नगर सेवक की जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, जिम्मेदारी कैसा है कि आवाम को आप बता रहे हो? आपका खुद का काम है, जाके ऑफिस में करवा के लेना, ठीक है? नगर सेवक करता हुआ एक बात का मामला है, नगर सेवक की जिम्मेदारी नहीं है, नगर सेवक की जिम्मेदारी। आरिफ भाई एक मिनट, जैसे कि जो आवाम है, आवाम ये आस लगाए रहती है कि मैं अपने से जो अपने वार्ड के नगर सेवक उनके पास जाऊँगा तो मेरे को कुछ अच्छी सुविधा मिलेगी, इसकी वजह से वो आस लगाए रहती है। अच्छी सुविधा बोले तो क्या अच्छी सुविधा भाई, जैसे कि पेंसिल का कोई मामला आ गया, जैसे कि प्रधानमंत्री का ये निवास योजना का जो आया, हाँ, तो आपके क्षेत्र में ऐसा मेरे को बहुत सा मकान दिखता है आपके वार्ड में जो झोपड़पट्टी है, क्या आप एक भी योजना दियो? प्रधानमंत्री जो योजना है, एक भी क्षेत्र में एक भी लोगों को दियो? मैं नहीं दिया हूँ, लेकिन जिनको मालूमात लेना रहता है और जहाँ से होता है वहाँ मैं उनको भेज देता हूँ कि वहाँ वहाँ जाके ये करो नगर। एक भी लोग को आप बता सकते हो? एक भी लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का तो नहीं हुआ है, बाकी विधवा लोग का जो है मामला है उसमें मैं बहुत लोग को भेजा हूँ बनाने के लिए। तो विधवा लोग का आप विधवा लोग को पेंसिल दिलाए हो? और जो हैंडीकैप है उनके लिए भी बीच में मैंने बहुत मचान किया था नगर पालिका में, उनको भी मैंने पेंसिल दिलाया, बहुत से लोगों को कोविड के टाइम पे 2,000 रुपये हर महीने उनके अकाउंट में आया है पैसा। अभी आप स्कूल की बात कर रहे थे तो मैं स्कूल की बात से बोलना चाहूँगा कि जैसे आप स्कूल में कोई अपने वार्ड में लाइब्रेरी या कंप्यूटर क्लास चालू करो? नहीं, वो चालू नहीं हुआ अभी। अरे स्कूल ही बन गई, इतनी बहुत बड़ी बात है ना? वो ने वार्ड के जो विधवा है और अपना प्रधानमंत्री योजना है, इसके लिए आप क्यों नहीं मेहनत करना चाह रहे हो? लोग जो आएगा तो मैं दिलाऊंगा उनको। अरे भाई ऐसा नहीं है, जैसे अपने को मालूम है कि अपने फला वार्ड से अपना प्रधानमंत्री तरफ से बहुत सी योजना है, जैसे कि आपके पास अभी स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में आप देख सकते हो कि प्रधानमंत्री तरफ से बहुत सी योजना आती है, तो आप अपने वार्ड के लोगों को दोगे तो वार्ड में और खुशहाली बढ़ेगी और आपका और नाम होगा और आपको दुआएं मिलेगी इंशाल्लाह। आगे वो भी करेंगे, अब तो आगे करेंगे वो भी। अभी तो इलेक्शन जैसे 2022 का है, आने वाला है। आगे मैंने बोला, मैंने नेक्स्ट इलेक्शन जीतने के बाद नहीं बोला, आगे बोला मैंने, आगे भी कर सकता हूँ। जैसे कि बहुत से नगर सेवक का ये आरोप है कि महानगर पालिका में फंड नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये आरोप नहीं है, तो एकदम सही बात है कि महानगर पालिका में फंड नहीं, और अभी फिलहाल 2 साल से तो बहुत ज़्यादा ही तकलीफ है फंड की, क्योंकि जो भी नगर पालिका में फंड आ रहा था, पैसा आ रहा था, वो कोविड के चक्कर में बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, इसके लिए काम नहीं हो पा रहा है अभी ये 1.5-2 साल से। जैसे कि कांग्रेस की महागाड़ी सरकार आप ही की है, हाँ, क्या आप अपने CM फंड से अपने वार्ड के लिए कुछ फैसिलिटी लाए हो? जब से CM हमारी महाविकास अघाड़ी का बैठा है उसके बाद से तुमको पता है कोरोना आ गया, और कोरोना में सरकार की क्या हालत है, नगर पालिका की क्या हालत है और आम पब्लिक की क्या हालत है, ये सबको पता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, कोविड में हम लोगों ने क्या नहीं क्या क्या किया है भुजंडी शहर को पता है, खाने का खाना बांटा हम लोगों ने। ये आरिफ भैया खाना बांटने वाले, ये कैसा है कि आप नहीं बताए तो बेहतर होगा, क्योंकि मेरी बात नहीं करो मैं, क्योंकि नगर पालिका की तरफ से बोल रहा हूं। अच्छा, नगर पालिका, वो हाँ, ये हर मेरी बात नहीं करो, मैं नगर पालिका की बात कर रहा हूँ कि नगर पालिका की तरफ से खाना बांटा गया। मेरा सवाल ये था आरिफ भाई कि आप अपने CM फंड से कोई योजना लाए हो अपने वार्ड के लिए? मैं तुमको वही बता रहा हूँ कि CM बनने के बाद शहर के क्या हालात और मुल्क महाराष्ट्र के क्या हालात है, ये सबको पता है, कैसे लाने का, जब कोविड का टाइम चल रहा है, सरकार के पास भी पैसा नहीं है, सरकार लोगों की जान बचाने के लिए जो पैसा लगता है वो नगर पालिका को भेजी, सरकार ने 1 बार 7 करोड़ भेजी, 1 बार 5 करोड़ भेजी हॉस्पिटल। जनता का ये आरोप है कि ये जो पैसा आता है ये जनता को समझ में नहीं आ रहा है, ये जनता की आरोप है, भिवंडी शहर की जो जनता है। जनता ने देखी ना कि ये 1.5 साल में नगर पालिका ने कितना काम करी है आवाम के लिए, हेल्थ के लिए, जो कोरोना महामारी फैली थी उसके लिए नगर पालिका ने बहुत काम करी है, और ये जो फंड आया है हमको, ये स्टेट गवर्नमेंट ने CM से CM फंड आया है हमको, वो आप पर्सनली अपने वार्ड के लिए CM फंड से कोई अपील नहीं करें? ऐसा नहीं होता है, CM फंड डायरेक्ट पर्सनली वार्ड के लिए कुछ नहीं कर सकते, जो भी मामला नहीं, जैसे कि अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपना MLA फंड से आप क्या यूज़ करे हो, MLA फंड कभी यूज़ करे आप?
एमएलए फंड है, एमएलए हमको देगा तो यूज करेंगे ना। आप अपील करोगे, आप अपील करोगे तो मिलेगा ना। नहीं, बहुत लोगों ने अपील की है, एमएलए किसी नगर सेवक को कोई फंड नहीं देता है। एमएलए खुद अपना फंड लाता है, खर्चा करता है, ओपनिंग करता है, फोटो खिंचाता है और अपना नाम कमाता है, वो नगर सेवक को फंड नहीं देता है। पहला ही एमएलए ऐसा है जो ऐसा करता है। नहीं तो इससे पहले जितने एमएलए थे, और 288 एमएलए जिसमें थे, 287 एमएलए ज़्यादा करके नगर सेवक को फंड देते। इससे पहले रुपेश मात्रे था, जब मैं जीत के आया था उसने मेरे को 5 लाख रुपया दिया था, मैंने मेरे वार्ड में ब्लॉक लगा दिया था प्रकार बिल्डिंग के सामने। यही क्यों सर, मेरा ये सवाल था कि आप एमएलए फंड से क्या यूज़ कर रहे हो? तो बताया ना, वो एमएलए था, उसने फंड दिया था, मैंने ब्लॉक लगा दिया था, एमएलए वहाँ झांकने भी नहीं आया था। ये मैं भी यही वार्ड का रहवासी हूँ, वार्ड नंबर 9 का। अभी तक मैं भी बोलना चाहिए रुपेश मात्रे साहब को तो मैं भी अपने वार्ड में नहीं देखा था आज तक। नगर सेवक से जाके पूछो रुपेश मात्रे से किसने कितना फंड लिया, तुमको मालूम पड़ेगा ना। हर आदमी बताता नहीं है किसका फंड है, आदमी अपना काम बताता है कि मैंने किया मैंने किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं से फंड लेकर ही आता है। हाँ, अपने जेब का कोई नगर ये तो है, अपने जेब का कोई ना कहीं से फंड लेकर आता है, कोई एमएलए से, कोई एमपी से, कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत फंड लेकर आता है, कोई अपने जेब का पैसा नहीं लगाता है। एमएलए फंड देते थे पहले, लेकिन ये पहला एमएलए हमको ऐसा मिला ईस्ट वाले को जिसने आज तक किसी नगर सेवक को 1 रुपया फंड नहीं दिया अपना। यही कैसे, मेरा यही सवाल था कि एमएलए फंड से आप क्या हुए यूज करें, तो इसके मतलब आपको एमएलए फंड से कोई मुनाफा नहीं मिला? कुछ नहीं मिला आपको? या आपको क्या या भिवंडी ईस्ट के जो भी नगर सेवक, उनको नगर सेवक को नहीं मिला? जो भी हुआ है एमएलए साहब खुद करे, अपने फंड का पैसा खुद इस्तेमाल करे, अपना फोटो खुद खिंचाए, सोशल मीडिया में खुद फोटो डाले और अपना प्रचार वो खुद किए। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई हमसे बातचीत करने के लिए।